हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन। मैंने कार्ड शफल किए, तीन चार बार ऐसा हुआ और फाइनली अभी मैंने कार्ड्स चुन लिए हैं। दीज आर द मैसेजेस कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या है। पहला ही कार्ड है यूनियन। तो एक बहुत ही कंटेम्पलेटिंग फेज आपके लाइफ में आ रही है रिगार्डिंग गेटिंग टुगेदर यूनियन। यूनियन दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है फिजिकल यूनियन एंड सेकेंड इज इमोशनल यूनियन, या जिसे हम मेंटल यूनियन कह सकते हैं। तो आप दिल से एक हो सकते हैं, मतलब दूसरे का क्या चल रहा है ये आपको यहाँ बैठे ही पता चल सकता है, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा होगा। और ये एक बहुत ही इमोशनल फेज है और बहुत ही पावरफुल फेज है, जिससे आप डायरेक्टली उस इंसान से कनेक्ट होते हो, आप अपने मस्कुलाइन से कनेक्ट होते हो, और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपके रिलेशनशिप में देखा जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी टाइमिंग है अभी आपको मिली हुई। तो देखते हैं और मैसेजेस क्या कहते हैं। पैशन विद इन, तो आपके अंदर जो पैशन है, जो एनर्जी अभी तैयार हुई है, उस एनर्जी को आपको यूज़ करना है, इस एनर्जी को आपको कंटेम्पलेट करना है, इसको यूज़ करना है, मन में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, यूनिवर्स को मैसेजेस भेजने हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी विच यू आर हैविंग राइट नाउ। तो ये जो पैशन है इसको आप कल्टिवेट करें, मोटिवेट करें और इसका यूज़ करें। लोनलीनेस, तो अभी भी कई लोगों को शायद लोनलीनेस लगता होगा, लेकिन इसलिए हो रहा है कि जो एनर्जी आप फील कर रहे हो वो एनर्जी के कारण एक सर्च तैयार हो रहा है, जिसके कारण आपको पता नहीं चल रहा है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये क्या है। सो इट्स अ काइंड ऑफ लोनलीनेस, जहाँ पे आप सोच रहे हो, आप ज़्यादा महसूस कर रहे हो कि ये एनर्जी है उसे कैसे हैंडल करें। दिस एनर्जी इज कॉमन इन बोथ द पीपल। मैजिकल हेवन, तो जिस हेवन को आप वेट करते रहे हो वो हेवन अभी आपके सामने आ रहा है, आपके सामने आएगा, आपको बस सही मौके का इंतज़ार करना है। डिवाइन रिदम, जिसे हम डिवाइन डांस कहते हैं, डिवाइन म्यूजिक कहते हैं, वो डिवाइन रिदम आपके लाइफ में आ रहा है और बहुत सारे चेंजेस जो आपको हर समय खुश रहेगा। कई लोग आपको शायद कहेंगे भी, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, कि आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। दैट इज़ बिकॉज जो एनर्जी है वो आपको मिल रही है और उस एनर्जी के साथ आप बह रहे हो। इमोशनल फेज, तो एक थोड़ी इमोशनल फेज है, लेकिन इस इमोशनल फेज में आपको अटकना नहीं है, इससे बाहर आना है। जो भी चीज़ें हो रही है अभी सकारात्मक रूप से ही वो डायरेक्शन लेंगी और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलैक्स होना, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स होने की ज़रूरत है, कोई भी प्रेशर ना ले और ख़ुद को एकदम ईजी बनाएं, और उससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, काफ़ी सारी जो नेगेटिविटी है वो आपके लाइफ से चली जाएगी। बिटर एंगर, तो इस एंगर को अगर वो कभी सर्च हो भी रहा है, आपको इसे साइड में रखना होगा और इसको साइड में रख के आपको आगे बढ़ना होगा। नाउ देयर इज़ नो यूज ऑफ बिटर एंगर। स्टेयर्स क्लूज, तो आपको अभी धीरे धीरे क्लूज मिलते जाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, कैसे आप क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब क्लूज आपको यूनिवर्स से मिलते जाएंगे। रन स्लोली, तो आपको कोई भागदौड़ नहीं करनी है, डिसीजंस फास्ट में नहीं लेने हैं, नो क्विक डिसीजंस, लेकिन आपको स्लोली आगे बढ़ना है और आपको नतीजे डेफिनेटली पॉजिटिव मिलते जाएंगे। गो टुगेदर, तो यह एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, इसका मतलब है कि आप साथ में आ रहे हो और साथ आके आपकी एनर्जी है वो कंटेम्पलेट हो रही है, वो कंप्लीट हो रही है, तो एक अच्छी बात है। बस आपको ध्यान रखना है टाइमिंग का और ज़िंदगी में आई हुई इस अपॉर्चुनिटी का। लव स्टम्बल्ड अपॉन, यानी कि आप किसी जगह पे अटके पड़े हुए हैं, ये अटके पड़े हुए इसलिए क्योंकि आपका जो प्यार है वो आपको खींच रहा है। एंड यू आर स्टैंडिंग देयर एंड यू आर लुकिंग अहेड, यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर जो कि आपका है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आप अभी महसूस कर रहे हैं। सेक्सुअल अटेंशन, तो एक एनर्जी सर्च हो रहा है, ये एनर्जी आपको काफ़ी सारे चेंजेस में डालेगी और काफ़ी सारे चेंजेस से आप गुजर जाएंगे, ये एनर्जी आपको बहुत ही अच्छा महसूस कर देगी। लेफ्ट बिहाइंड, तो थोड़ा आपको लग सकता है कि यू आर लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ द कमेंट्स कमिंग फ्रॉम द पर्सन, तो ये कोई नहीं है, बस टाइम है, इस टाइम को आपको बस जाने देना है और आगे बढ़ना है। हार्ट मेल्टेड, तो हार्ट जो है मस्कुलाइन का एंड फॉर सम फेमिनाइन वो मेल्ट हो चुका है, दिल में जो भी दर्द था, दिल में जो भी तकलीफें थी वो डेफिनेटली साइड में हो रही है।
इमोशनल एक्सटेसी, तो इमोशनली जो हम कहते हैं कि जो पावर होती है वो आपको अभी मिल रही है इमोशनल एक्सटेसी, और आप अभी आपके पार्टनर के साथ जाने के लिए रेडी हो रहे हो। डिस्क्रिपेंसी, तो थोड़ी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है लेकिन इसको आपको साइड में रखना है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। ट्रैवलिंग, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल करते करते आप अपने मस्कुलिन को मिल सकते हैं। ब्लॉसम, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी खुशियां आने वाली है, बस आपको राह देखनी है टाइमिंग की। पजल, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप पजल में पड़ चुके हो कि अगर वहाँ जाना है या फिर मस्कुलिन के साथ आगे बढ़ना है, सो वॉट अबाउट माई अर्लियर लाइफ, वॉट अबाउट माई करियर, वॉट अबाउट माई चॉइसेस, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कार्ड है सोल्यूशन कमिंग आउट, तो इस सब के लिए एक सोल्यूशन आ रहा है और डेफिनेटली आपके ऊपर ये वर्क करेगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पर्सपेक्टिव, तो दृष्टिकोण का कार्ड आपको आ गया है। दृष्टिकोण आपका साफ स्वच्छ होना चाहिए जिससे आपको सब पता चले कि कब क्या करना होगा। और फाइनल कार्ड है आपका लव लेटर, यानी कि आपको किसी भी टाइम बुलावा आ सकता है, आपके मस्कुलिन आपसे कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए, आई होप दैट रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू।